राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की रखी आधारशिला। कहा, जीएसटी और आयुष्मान भारत जैसे सुधारवादी कदमों से नए भारत के विकास को मिली है गति। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दौसा में राजस्थान गौरव यात्रा के तहत आयोजित सभा को किया संबोधित। कहा, ईस्टर्न केनाल परियोजना से पूर्वी राजस्थान के जिलों में पेयजल समस्या का होगा स्थायी समाधान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाले जाने वाले ताजिए कल रात जयपुर में बड़ी चौपड़ पर हुए एकत्रित। अकीदतमंदों ने ढोल ताशों की मातमी धुनों पर इमाम हुसैन को किया याद। और सीकर जिले में जीप और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 6 लोगों की मृत्यु, करीब 8 लोग घायल। गंभीर घायलों को जयपुर किया गया रेफर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र हंस और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की आधारशिला रखी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 25,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी और आयुष्मान भारत जैसे सुधारवादी कदमों से 21वीं शताब्दी में के नए भारत के विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं पर कार्य शुरू किया है, जिसमें देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम हो, देश के हर गांव और हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हो, सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन का मूवमेंट हो, ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बनाने का काम हो, इसी सरकार ने किया। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के सेक्टर 25 में भव्य कन्वेंशन सेंटर होगा। ये 221 एकड़ में फैला होगा, जिसका निर्माण 1,10,00,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा। इससे 5,00,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। 25,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पहले चरण का काम दिसंबर 2019 तक पूरा होगा। इसके दूसरे चरण के 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े 10 कन्वेंशन सेंटर में से एक होगा। ये सेंटर देश के 5,00,000 युवा साथियों को रोजगार के अवसर देने वाला है। IRCC इंफ्रास्ट्रक्चर के उन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का विस्तार है, जिनको बीते 4 वर्षों में जमीन पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दौसा में राजस्थान गौरव यात्रा के तहत आयोजित एक सभा में कहा कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना से पूर्वी राजस्थान के जिलों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज पूरे देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अजमेर के राजकीय मोइनिया इस्लामिया स्कूल में आयोजित समारोह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक साधारण सा विद्यार्थी समाज सेवा को अपना उद्देश्य मानकर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने देश में अहम स्थान बना लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा ने 4.5 सालों में पिछले बजट में 273 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए छात्रवृत्ति की घोषणा की है।
इसका काम 15 अगस्त से प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं आर्थिक पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 800 छात्रावासों में सीटें आरक्षित की गई हैं। राजस्थान सरकार ने उन परिवारों के बच्चों को शिक्षा में लाभ दिया है जिनकी आय 5 लाख रुपए तक की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां पिछले बजट में 273 करोड़ रुपए का प्रावधान करके छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिसके आवेदन लेने का काम 15 अगस्त से प्रारंभ किया जा चुका है, साथ ही राजस्थान के लगभग 800 छात्रावासों में पहली बार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने का काम किया, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में उनके प्रवेश अगर होते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राजस्थान सरकार ने ये प्रावधान किया कि किसी का अगर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बालक का प्रवेश होता है, बालक और बालिका का, और माता पिता की आय 5 लाख रुपए तक है तो उनकी फीस का आधा पैसा राजस्थान सरकार पुनर्भरण करेगी। साथ ही पिछले 2 साल से योजना चल रही है, बोर्ड की परीक्षाओं में तीनों फैकल्टी में आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों में श्रेष्ठ 100 विद्यार्थी बालक और बालिका उनको 15,000 रुपये देने की सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने का और उनको मेरिट सर्टिफिकेट देने का तय किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की 25 और 26 सितंबर को प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभागों के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से जयपुर के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के समक्ष रखा। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे बढ़ाए जाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग प्रमुख है। बुजुर्गों को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के प्रति आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की ओर से रविवार को जयपुर में रन फॉर मेमोरी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शिव गौतम ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्तमान में बुजुर्गों की उपेक्षा का भाव रखना लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुजुर्गों को उनका सम्मान लौटाने के उद्देश्य से जयपुर में रामलीला मैदान से बिरला सभागार में रैली निकाली जाएगी। इसके बाद यहीं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 23 तारीख को रविवार को हमारे समाज में जो उपेक्षित बुजुर्ग लोग हैं उन बुजुर्गों का हम सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य के प्रति हम ध्यान रखें, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें और उनके उनको एक जीवन जीने का प्लेजरेबल तरीका हम दें। इसके लिए हम जयपुर शहर के जो बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, उन सबको साथ लेके एक रन फॉर मेमोरी शुरू करेंगे जिसमें कि करीब 2000 लोग एक साथ रामलीला ग्राउंड से बिरला ऑडिटोरियम तक जाएंगे और उसके बाद बिरला ऑडिटोरियम में 2 घंटे का एक पूरा जन जागृति कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके लिए स्वीकृति दी है, हमारे यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर खीमसर जी ने इसके लिए अनुमति दी है, वो लोग आएंगे। इसके अलावा हमारे लोकायुक्त जस्टिस कोठारी साहब ने इसके लिए अनुमति दी है, वो इसके लिए आएंगे और हमारा एक एक्सपर्ट्स का पैनल कम से कम 10-10 मिनट में और 5-6 लोग पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे कि हम बुजुर्गों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जयपुर के SMS अस्पताल के साथ ही विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। SMS अस्पताल में मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS मीणा ने बताया कि स्वाइन फ्लू रोगियों के लिए अलग से वार्ड आरक्षित किया गया है, वहीं डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों के लिए आउटडोर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाले जाने वाले ताजिए कल रात जयपुर में बड़ी चौपड़ पर एकत्र हुए।
इस दौरान अकीदतमंदों ने ढोल, ताशों और मातमी धुनों के साथ इमाम हुसैन को याद किया। वहीं अकीदतमंदों ने ताजियों की जियारत की। महिलाओं ने भी फूलों के सहरे, चांदी के सिक्के ताजियों पर चढ़ाए। आज इन ताजियों को करबला के सुपुर्द कर दिया जाएगा। देश में किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कम लागत में अधिक पैदावार देने के साथ ही शुरू की गई प्रधानमंत्री सोशल हेल्थ कार्ड योजना का सवाईमाधोपुर जिले के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में कृषि विभाग की ओर से 3,14,193 किसानों को सोशल हेल्थ कार्ड योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। कृषि विभाग के पर्यवेक्षक मिट्टी का नमूना लेकर किसान की भूमि के पोषक तत्वों की जानकारी घर बैठे ही उपलब्ध करवा रहे हैं। वहाँ खेत पर जाते हैं, मिट्टी का नमूना लेते हैं और नमूना लेकर हमको बताते हैं भाई तुमको ये खाद देना है, ये दवा देनी है, इसमें फालतू खाद रुपये में दो, तो हमको उससे जो है बहुत लाभ मिला है। एक तो हमारा खर्चा कम हो जाए, हमारी उपज बढ़ी है और ये हमने करके देख लिया खूब बहुत बढ़िया, हमको जो है फसल की उपज में अच्छा फायदा हुआ है। जाँच मिट्टी की करवा के अपने सिफारिश के अनुसार जो खाद डालेगा, इससे एक तो मृदा प्रदूषण कम होगा प्लस उसकी आय भी बढ़ेगी। तो पहले हमारे किसान अंधाधुंध खाद देते थे, तो इस स्वास्थ्य कार्ड से हमको मिट्टी परीक्षण करवाने के जो तत्व कमी थी उसका मतलब हमको पता चल गया। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक सहभागिता मोड पर चलाई जा रही मृदा परीक्षण में किसानों की जमीन की मिट्टी की निःशुल्क जाँच की जाती है। जांच में सामने आया कि जिले में जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। जांच में सामने आने के बाद इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया गया है। यहाँ तक कि मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी क्षेत्र में देखने को मिली है, लेकिन मेन जो अब किसान भी जागरूक हो चुका है पूरा, और वो हमारे बिना उसके भी अब जान गया है कि जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और भी जैसे तत्वों की कमी। सीकर जिले में जीप और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 6 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि करीब 8 लोग घायल हो गए। हादसा भादवाली गांव के पास आज सुबह हुआ। जीप में सवार लोग मजदूरी के लिए जा रहे थे, इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 3 अन्य की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में वे जीत के ट्रैक पर वापस लौटने के लिए बेताब हैं। पहली बार राजस्थान के खलील अहमद और दीपक चाहर दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेले।